विश्व में पहला दूसरा तीसरा स्थान पाना है, अगर हमारे देश को हमें इकोनॉमिकली मजबूत करना है, मिलिट्री या स्ट्रेंथ के हिसाब से भी मजबूत करना है, तो यही यूथ है जो आगे हमारे देश को ले जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यूथ इंटरनेशनल यूथ डे पर हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन चूंकि युवाओं के बीच में है तो इस बात के लिए भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि युवा अगर अपना ध्यान केवल पढ़ाई में, अच्छे खेलों में, अच्छे कार्यों में, समाज सेवा में करेंगे तो निश्चय ही वो आगे बढ़ेंगे। एक मैसेज आज माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में उन्होंने यूथ के कार्यक्रम में दिया है, नशा मुक्ति का। आप में से कितना है, कितने लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं? नशा करते हैं बताइए, किस चीज का नशा करते हैं? सिगरेट का। देखिए, क्या सिगरेट पीना अच्छा है? नहीं है। देखिए, नशा करना, सिगरेट पीना या और उससे कोई गंभीर नशे की तरफ जाना, ये कॉलेज डेज में बहुत सारे लोगों में आपस में लड़कों के बीच में, मैं तो चूंकि मैं भी कॉलेज में रहा हूं, तो एक होड़ सी लगी रहती है कि चलो इसको भी कोशिश करके देख लें। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आज की तारीख में अगर हम पूरे देश में देखें तो यूथ में ये जो नशा मुक्ति का जो एक आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक आप सबको मालूम है, ये प्रूवन फैक्ट है कि सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। आप रोज देखते होंगे अखबारों में, टीवी पर फिल्म के पहले विज्ञापन आते हैं। निश्चय ही आदमी को मन कड़ा करके एक बार तय करना होगा कि हम इस नशे से दूर रहें। सिगरेट छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, धीरे धीरे करके उसको छोड़ा जा सकता है, और भी बहुत सारे नशे हैं जिनसे दूर रहा जा सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके साथी, आपके कुछ हो सकता है कि आपके अपने रिलेशन में कुछ लोग हो, बहुत सारे लोग जो है कॉलेज या अन्य जगहों पर वर्क प्लेस में आपके साथ काम कर रहे हो, उनको जरूर समझाएं। आज ड्रिंकिंग का वो भी एक नशा हो गया है, और मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने पाया है कि 45 साल की उम्र में जो है उनको लिवर सिरोसिस हो गई, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया और पूरा परिवार जो है बेकार हो गया। माननीय मंत्री जी इस बात से वाकिफ होंगे कि न जाने कितने परिवार के कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं कि कैंसर का इलाज करा दीजिए, कहीं लिवर का ट्रांसप्लांट करा दीजिए, कहीं और। मेरे पास भी लगभग डेली कम से कम एक या दो व्यक्ति ऐसे जरूर आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से वो धनराशि लेना चाहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों में ऐसे लोगों द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसी लापरवाही की गई है कि उनका शरीर कमजोर हुआ है और किसी न किसी ऐसी गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हुए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस वर्षा के ऋतु में पेड़ लगाया? वेरी गुड, आई एम सो वेरी हैप्पी। किसने कौन सा पेड़ लगाया जरा कोई बता सकेंगे? किस, हाँ बताओ, नीम का पेड़ लगाया। नीम के पेड़ के क्या फायदे हैं जरा जोर से बताइए। नीम की दातून कितने लोगों ने की है? अब तो दातून करते नहीं लोग, वाह काफी लोगों ने दातून की है। बेल का, वाह बेल, बेल की पत्ती कहां चढ़ती है? शिव जी पर चढ़ती है। हाँ बताओ, वेरी गुड। और यहां से कोई यहां पेड़ लगाने वाले नहीं है? हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलिए। मेरे फादर दातुन नीम की करते थे, अब तो नहीं रहे वो, लेकिन हम लोगों से बचपन में वो नीम की दातुन कराते थे, कहते थे इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, जितना ये टूथब्रश और टूथपेस्ट है ये दांतों के मसूड़ों को छीनता है, जबकि नीम का दातुन अगर कायदे से किया जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और आज की तारीख में टूथपेस्ट में नीम ही आता है। हाँ बताइए।
वेरी गुड। हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। और 140 करोड़ को अगर 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी जहां पेड़ लगाने के लिए, हमको खोजना पड़ेगा। मैं इस बीच में ये जरूर कहूंगा, अभी कल मैं सीना पे एक संस्था है वहां पर बातचीत कर रहा था, वहां पर भूषण अनिल जोशी साहब आए थे। क्लाइमेट चेंज के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस बेटा बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ वेरी गुड। अर्थ का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है? कभी भी पड़ जाती है सर, बेसिकली क्लाइमेट चेंज इससे हो रहा है सर। जैसे हम एसी में सीएफसी यूज करते हैं, अमोनिया गैस ज़्यादा यूज होता है तो सर उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है, जिससे कि सर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। वाह वाह वाह, तो फाइन स्टूडेंट हो सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर कृष्णा उपाध्याय। कृष्णा उपाध्याय। कृष्णा उपाध्याय जी के लिए बहुत बहुत बधाई और ताली बजाइए। बट मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में केवल वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज का फर्क क्या पड़ेगा पूरे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बेसिकली क्लाइमेट, अगर हम पंखा यूज कर रहे हैं तो कमरे से निकलने के समय पंखा और लाइट बंद करें। अगर हम एसी का यूज करें, लगभग हर घर में एसी हो गया है, एसी का कम से कम इस्तेमाल करें, बिजली की खपत कम से कम करें, चीजों को कम से कम जलाएं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको कूड़े में डाल दिए तो प्रॉपर सेग्रीगेटेड कूड़ा डालिए, जिससे वो कायदे से उसका डिस्पोजल हो। और साथ ही साथ जैसा हमारे साथी बता रहे हैं कि 400 पेड़ लगाए हैं, जहां मौका मिले वहां पेड़ जरूर लगाइए, और पेड़ लगाने के बाद उसको बचाने का भी काम करिए, जिससे आगे आने वाले समय में वो पेड़ आगे बढ़ जाए। मैं जिस सरकारी आवास में रह रहा हूँ, उस सरकारी आवास में मुझे रहते हुए 3-4 साल हो गए, मैंने नीम के पेड़ वहां पर लगाए, और मुझे इस बात की खुशी है कि नीम का पेड़ तो लगभग इतना छोटा लगाया था, अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि हमको अपने सिर के ऊपर काफी ऊपर जाकर पूरा फैल गया है। और उस नीम के पेड़ को बढ़ते हुए देखते हुए मुझे इस बात की खुशी होती कि चलो मैंने कोई एक ऐसा योगदान दिया है कि आगे आने वाले समय में उस नीम के पेड़ की स्वच्छ हवा से कई लोगों को जो है उसका लाभ मिलेगा। मैं इस अवसर पर मोदी जी को विशेष रूप से जो कुछ डॉक्टर हैं उनको जो है मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीसी साहब ने और यहाँ के सभी यूनिवर्सिटी के सभी लोगों ने जुड़कर इस यूथ डे में सभी यूथ को यहाँ जोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी का, जिनका अपना क्षेत्रीय स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आज सर यहाँ आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।